मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बार फिर गुंडागर्दी का एक नज़ारा सामने आया है। तस्वीर इस बार एक पेट्रोल पंप की सामने आई है। पेट्रोल पंप पर शराब के नशे में पेट्रोल भरवाने के लिए आए एक युवक का पंप के कर्मचारी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उक्त युवक के दो अन्य साथियों ने आकर पंप पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। कर्मचारी अपने आप को बचाने में लगे, जिसमें दो कर्मचारियों को गंभीर चोट आई है। मामला उज्जैन के थाना चिमनगंज के अंतर्गत कृषि मंडी गेट के सामने स्थित पेट्रोल पंप की बताई जा रही है। पंप संचालक गगन ने बताया कि एक युवक गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए आया था, जिसने पैसे को लेकर स्टाफ से गाली गलौज की। जब कर्मचारी ने उसे गाली न देने को कहा तो वह चाकू मारने की धमकी देने लगा। मौके पर दोनों के बीच कहासुनी ही चल रही थी कि सामने से दो युवक दौड़कर आए और उन्होंने कर्मचारियों के ऊपर पंप पर रखे बैरिकेड उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। करीब 5 मिनट तक बदमाश पंप पर तांडव मचाते रहे। घटना में पंप पर काम करने वाले राकेश शर्मा नामक कर्मचारी के हाथ में गंभीर चोट आई है, वहीं अन्य देवेंद्र और अजय को मामूली चोट आई है। पंप पर हुए विवाद की घटना की जानकारी लगने पर थाना चिमनगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने पंप कर्मचारियों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करा दो, ये तो जानकारी में नहीं है। बाकी ये जो भी थे नशे में थे, तीन लोग थे और एक ने पहले विवाद चालू करा, गाली गलौज करी, चाकू मारने के जान से मारने की धमकी दी, पेट्रोल पंप पर आग लगाने की धमकी दी और फिर मारपीट करी। हमारे लड़कों ने बीच बचाव करा, एक से कुछ ज़्यादा लगी है राकेश शर्मा को, तो देवेंद्र को भी लगी है और एक अजय सिंह को लगी है। तीन लोगों को इसमें बीच बचाव करने में चोट आई है और बाकी पुलिस कार्रवाई करेगी, हम काई भी करा रहे हैं। पंप के नोजल वगैरह भी निकाले थे? हाँ, पंप के नोजल भी उठाए थे, आग लगाने की धमकी दी थी कि पेट्रोल पंप पर आग लगा देंगे, नशे में थे। ये आए दिन की घटना हो गई है, पास में दारू की दुकान होने से शराबी आते हैं रात को और 24 घंटे पंप चालू है। 3 से 4 कर्मचारी रात को रहते हैं यहाँ पे, तो अब कम लोग रहते हैं तो उसके चक्कर में सब घटनाएं होती हैं इस तरह की। पहले भी पूर्व में आवेदन दिए गए हैं थाने पे और आज कायमी कराएंगे, FIR कराएंगे। ठीक है।